चलो चलो हो गया प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हमने जो जो वीडियो देखा है ये कल का ही वीडियो है और 29 फरवरी का वीडियो है। इस वीडियो में एक बात मैं बोलता हूँ कि जो कर रहे हैं वीडियो में
धरना प्रदर्शन या फिर कानून मानना चाहिए, मतलब कानून को ये बताना है कि हमें मानना है कि नहीं मानना है ना, और हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो संविधान है, हमें ये आदेश करता है कि हमें ये मतलब राइट्स देता है कि हमें अपना धर्म प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना, ठीक है, बाइबल के अनुसार भी। लेकिन मसीह, जितने भी मसीही के वचनों को जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वे सारे लोग जो हैं दुख उठाते हैं, लिखा हुआ है पहले से ही, हम देखते हैं वचनों में। वो वचन भी कहता है कि अगर मतलब तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए हुए थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, और वो किसी को नहीं छोड़े थे। तो ये भारत देश की ही बात नहीं है, ये तो पूरे मतलब इतिहास की बात है कि मसीही जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, और सुसमाचार सुनाने पर ये दुख मिलता ही है। अब ये बात ये है कि यहाँ पर जो परमेश्वर यहाँ पे कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ दो थॉट आते हैं कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं सताव कम होने के लिए, परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है विरोधियों के प्रति, है ना। लेकिन यहाँ पे जितना मसीह विरोध होता है, उतना ही मनुष्य जो है प्रभु के वचनों में और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बात बात जो है भारत की नहीं है, बल्कि ये बाइबल के इतिहास की भी है कि जितने लोगों ने भी यीशु के पीछे चलना चाहा, लोगों ने उन्हें दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर को क्या करना है और हमें कौन सा मरिया परमानेंट रहना है। मरने के बाद तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वो अपने स्वदेश यानी कि स्वर्ग में जाना है। और रही बात कानून की, तो कानून और प्रशासन जो है, हम देखते आ रहे हैं कि क्या क्या होता है कानून के साथ और प्रशासन के साथ। क्योंकि कानून को हम जितना भी फोर्स कर लें, ऑर्डर जो है ऊपर से ही आता है। अब ऊपर से ऑर्डर आता है तो ये ऑर्डर ऊपर से कैसे आता है, यानी कि जो प्रशासन के ऊपर अधिकार जताते हैं जो राजनेता लोग हैं, है ना, जो जिन्हें हम मंत्री भी कहते हैं, नेता भी कहते हैं, प्रशासन उन्हीं के अनुसार ही चलता है। और यहाँ तक के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कानून को मानते हैं। हम भी मानते हैं कानून को, कि कानून जो है आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि वो लाठीचार्ज कर रहे हैं या रोक रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये हमारे देश के अधिकार की बात है और सुसमाचार की बात है। अगर देखिए, आप देश के अधिकार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन करें, लेकिन सुसमाचार की बात है तो इसमें धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बाइबिल हमें ऐसे मतलब विरोधियों का सामना कैसे करना है बोल करके बाइबिल हमें खुद बता देता है, उनसे प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपको मौलिक अधिकार चाहिए, अगर देश में कुछ अधिकार चाहिए, तो आप देश में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कानून के समक्ष कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं। और इस प्रकार से क्या है, आप अपने समाज के लोगों का एक अच्छा वहाँ पे आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ पे नेचर को। और बाकी मैं तो कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन है ना। ये जितने भी घटना थी, ये सारे घटनाएं जो है छत्तीसगढ़ की है, नया रायपुर की है ना, नया रायपुर की है और सेक्टर 23 की है, और तूता जो एरिया है वहाँ का, है ना। तो आप लोग सभी लोग प्रार्थना करें, जितना ज़्यादा हो सके कानून जो है हमारा साथ दे, सरकार हमारा साथ दे। सुसमाचार पहुँचाने और फैलाने में तो मुसीबतें आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।